हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके लेबर इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम को जो कि आपका हुआ था थर्ड जनवरी को 2021 में तो हम उसको डिस्कस करेंगे इसको इस वीडियो को पार्ट्स में बनाएंगे पूरा पेपर एक साथ नहीं डिस्कस करेंगे पार्ट्स में डिस्कस करेंगे 50 टू 60 क्वेश्चन एक पार्ट में डिस्कस करेंगे सो आपका एक पूरा वो बन जाएगा ठीक है तो फर्स्ट क्वेश्चन है इंडिया कवर्स एन एरिया ऑफ तो कितना एरिया कवर करता है इंडिया थर्टी टू लैख एटी से थाउजेंड टू हंड्रेड सिक्सर किलोमीटर इंडिया कवर करता है एरिया इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट है एज पर देंस टू थाउजेंड इलेवन द पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एन सी टी ऑफ डेली इज तो कितनी है डी इलेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी है इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल फ्लैग वॉज डॉप्टेड बाई द कॉन्स्टिट्यूट असम्बली ऑफ इंडिया ऑन कब उसको अडॉप्ट किया गया था तो उसको अडॉप्ट किया गया था बाईस जुलाई नाइनटीन फोर्टी सेवन को ए इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट बात करते हैं द गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो गार्डियन किसको बोला जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डी सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है नेक्स्ट बात करेंगे विच इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट तो कौन सा नहीं है एक फंडामेंटल राइट राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट राइट फर्दर ठीक है नेक्स्ट बात करेंगे कौन से विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड तो कौन सा आर्टिकल आर्टिकल फोर्टी फोर इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय तो फाइनेंस कमीशन uh, कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है ए प्रेजिडेंट इज द राइट आंसर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट्स द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द ऑल इंडिया सर्विसेज तो कौन करता है ए आपका यू करता है नेक्स्ट है द प्रेजिडेंट कैन नॉमिनेट हाउ मेनी मेम्बर्स ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट तो फोर्टीन मेंबर्स करता है बारह आपके राज्यसभा के होते हैं और दो आपके एंग्लो इंडियंस जो कि आपके लोकसभा के होते हैं नेक्स्ट है नाइन्थ क्वेश्चन नीति आयोग इज अ तो क्या है आपकी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है नेक्स्ट है दिक्स दिक्सथ शेड्यूल है ऑफ़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट तो किसके कौन से इंडियन स्टेट्स के लिए वो फॉलो करता है असम मेघालय त्रिपुरा तो ये क्या है ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो कौन सी है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो आपकी ये सारी क्या है ऑल ऑफ दीज इज़ द राइट आंसर सारी ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर तो कब सेलिब्रेट किया जाता है वो ट्वेंटी फाइव जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है नेक्स्ट

किस स्टेट में है वो आपके उत्तराखंड टी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है रामाकृष्णन मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर इज लोकेटेड एट विच प्लेस तो कहाँ लोकेट है वो वो है आपके कोलकाता में लोकेटेड नेक्स्ट है इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन तो किसके एशियन का वो मेंबर नहीं है डी इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेगुलेट्स द इंश्योरेंस सेक्टर कौन आपका इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है तो आर सॉरी आई आर टी ए आई आपके इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है नेक्स्ट है मेघराज प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग तो किसके आईटी सेक्टर से वो रिलेटेड है नेक्स्ट है जैगवार इज और एन तो क्या है आपका जैगवार एक मिसाइल है ए सॉरी uh, एक एयरक्राफ्ट है आपका सॉरी ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट बात करेंगे ट्वेंटी सेकेंड क्वेश्चन की विच इज़ अ नवरत्ना कंपनी तो कौन सी आपकी नवरत्ना कंपनी बोथ ए एंड बी इज़ दी राइट आंसर नेक्स्ट बात करेंगे आकाश के बारे में आकाश इज अ तो आकाश क्या है आपकी आकाश एक आपकी सर्फेस टू एयर मिसाइल है ठीक है नेक्स्ट है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर तो कब लॉन्च किया गया था यह अभियान तो ये किया गया था आपके दो में सी इज़ द राइट ऑप्शन नेक्स्ट बात करेंगे विच इज़ अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी तो कौन सा है आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नॉन कन्वेंशनल कौन से होते हैं जो ख़त्म नहीं होते तो आपके बायो डीजल इज बायो डीजल क्या है ये क्या है आपका डीजल का फ्यूल डीजल फॉर्म है ये आपका कहाँ से ड्राइव किया जाता है आपके एनिमल्स एंड प्लान से ये ड्राइव किया जाता है नेक्स्ट है क्योटो uh, प्रोटोकॉल इज़ रिलेटेड टू तो किस चीज़ से रिलेटेड है बी आपकी ग्रीन हाउस गैस इमिशन से रिलेटेड है नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द फाइनेंस बिल एज अ मनी बिल तो कौन सा आर्टिकल करता है तो आर्टिकल एक सौ दस करता है आपका ए इज़ दी राइट आंसर नेक्स्ट है हेड क्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेट एट विच प्लेस तो कहाँ है आपका इजनेवा में है ए इज़ दी राइट आंसर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ख़ारीफ क्रॉप तो आपको क्रॉप के बारे में बताना है कौन सा खरीफ क्रॉप नहीं है तो आपका वीट नहीं है वीट क्या है एक राबी क्रॉप है नेक्स्ट बात करते हैं थर्टी एथ क्वेश्चन की नेशनल हेल्थ पॉलिसी वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर तो कब लॉन्च की गई थी वो दो 2002 में लॉन्च की गई थी वो बी इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट बात करेंगे आयुष सर्विस दस नॉट इंक्लूड विच विच फैसिलिटीज तो कौन सी फैसिलिटीज़ नहीं वो इंक्लूड करती है आपकी एलोपैथी इज द राइट आंसर एड्स इज कॉज्ड बाय तो एड्स किसके एक वायरस के द्वारा कॉज किया जाता है ना विच इज़ विच इज़ नॉन मेटेलिक मिनरल तो कौन सा है आपका तो ये आपका माइका जिप्सम ग्रेफाइट ये सारे क्या है आपके नॉन मेटेलिक है ठीक है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रिंसिपल सीट ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट इज तो क्या है आपका नैनीताल इज द राइट आंसर फॉर दिस अब बात करते हैं थर्टी फिफ्थ क्वेश्चन की थर्टी फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका विच ऑफ विच इज़ द न्यूएस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स ऑफ इंडिया तो शस्त्र सीमा बल डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द मिनिमम वेज एक्ट 1948 फोर्टी एट अ इज़ गवर्नमेंट फॉर फिक्सिंग फिक्सेशन रिवीजन ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस फॉर एम्प्लॉयमेंट कवर्ड बाय द शेड्यूल टू दिस एक्ट तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा बोथ ए एंड बी स्टेट गवर्नमेंट भी है एंड आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट भी है नेक्स्ट बात करेंगे थर्टी अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 वेज सीलिंग पर मंथ इज तो वेज सीलिंग कितनी है आपकी सी ट्वेंटी फोर थाउजेंड आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है वेज बोर्ड्स आर तो वेज बोर्ड्स क्या है आपकी ए इज दी राइट आंसर नेक्स्ट बात करेंगे हाउ मेनी स्कीम्स हैव बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमस श्रमा जयते कार्यक्रम तो कौन कितनी स्कीम्स आपकी स्कीम्स आपकी आ, उसके अंडर आती हैं तो आपका फाइव इज द राइट आंसर नेक्स्ट है एज पर द चाइल्ड लेबर एक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज इज प्रोहिबिटेड इन नोटिफाइड हिजादस ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेस तो इसका राइट right आंसर क्या है ए फोर्टीन ईयर्स नेक्स्ट बात करेंगे फोर्टी फर्स्ट क्वेश्चन की फोर्टी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है द नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम हैज़ बिन लॉन्च्ड इन विच ईयर तो कब लॉन्च की गई है आपकी वो नाइनटीन एटी एट में की गई है नेक्स्ट है द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वॉज इस्टाब्लिश इन विच ईयर तो कब इस्टिश की गई है आपकी इसका राइट right आंसर है सी नाइनटीन एटी फाइव नेक्स्ट है आपका सॉरी uh, मैंने कुछ गलत कर दिया था हाँ तो नेशनल द नेशनल चाइल्ड लेबर जो है वो कब लॉन्च की गई आपकी uh, वो आपकी 1988 में की की है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है इस्टेब्लिश कब की थी वो सी है इसका राइट आंसर सॉरी सी 1919 में की गई थी नेक्स्ट है एज़ पर द सेंसस ऑफ 2011 थाउजेंट इलेवन द टोटल नंबर ऑफ़ फीमेल वर्कर्स इन इंडिया इज़ तो आपका इसका आंसर क्या होगा डी फोर्टी वन फोटी नाइन पॉइंट एट मिलियन इज द राइट आंसर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इक्वल रिम्यूनेशन एक्ट वॉज इनेक्टेड इन विच ईयर तो कब इनेक्ट की गई थी वो आपका इसका जो आंसर होगा वो होगा नाइनटीन सेवेंटी सिक्स में नेक्स्ट है द बॉन्डेड लेबर सिस्टम स्टैंड अबॉलिश थ्रू आउट द कंट्री फॉर विच फ्रॉम विच ईयर तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा डी नाइनटीन सेवेंटी फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्लान स्कीम ऑफ फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर द स्टेट गवर्नमेंट्स आर प्रोवाइडेड सेंटर असिस्टेंट्स ऑन द वट परसेंट बेसिस तो क्या परसेंट बेसिस पे आपका वो आता है तो वो आता है फोर्टी सिक्स का जो आपका आंसर है वो है फिफ्टी फिफ्टी नेक्स्ट है आपका द लेबर ब्यूरो ऑफ गवर्नमेंट इज लोकेटेड एट विच प्लेस तो कहाँ है वो थे आपके चंडीगढ़ में भी एंड आपके शिमला में भी ठीक है नेक्स्ट बात करेंगे आपका फोर्टी एट क्वेश्चन है नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा इज नेम्ड आफ्टर विच पर्सनालिटी तो किस पर्सनालिटी के आफ्टर नेम किया गया है उसका आंसर है आपका डी वी वी गिरी नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर्स ऑफ द सेंट्रल बोर्ड वर्कर्स ऑफ़ वर्कर्स एजुकेशन इज लोकेटेड एट विच प्लेस तो कहाँ है वो आपका बी नागपुर इज द राइट आंसर नेक्स्ट बात करेंगे फिफ्टियन की विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट तो इसमें जो आपकी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है वो है डी वाली ठीक है नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रीन्योरशिप वॉज लॉन्च इन टू थाउजेंड एटीन ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है नेक्स्ट बात करेंगे वर्ल्ड यूथ स्किल डे की इज ऑब्जर्व कब ऑब्जर्व किया जाता है उसको तो उसको ऑब्जर्व किया जाता है आपका uh, 15th जुलाई को नेक्स्ट है मोहनजोदारो वाज डिस्कवर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिस्ट तो बी इज दी आरडी बनर्जी इज दी राइट आंसर नेक्स्ट है द मेल द चीफ मेल डाइट्री ऑफ इंडस वैली पीपल वाज तो कौनते पशुपति महादेव इज दी राइट आंसर नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर मिनासा मीमा फिलोसफी वॉज गिवन बाय तो किसने दी थी ये फिलोसफी आपकी तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा डी व्यासा ने दी थी नेक्स्ट है मथुरा वॉज द कैपिटल ऑफ विच महाजनपद तो किसकी कौन से महाजनपद की आपकी मिना मथुरा जो थी कैपिटल थी तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो बी रहेगा सूर सेन नेक्स्ट बात करेंगे आपका विच इज नॉट अमंगस्ट द थ्री रत्नास ऑफ इसका तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका डी राइट माइंडफुलनेस ठीक है नेक्स्ट बात करेंगे आपका जो आपका अभिधमन पटिक है जो पिटिक है आपका बिलोंग्स टू विच रिलीजन तो कौन से रिलीजन से वो बिलोंग करता है तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा बी बुद्धिज़्म ठीक है अब बात करते हैं नेक्स्ट फिफ्टी एथ क्वेश्चन की विच मेजर रॉक इज रिलेटेड टू कलिंग वॉर तो कौन से वॉर से आपका कलिंग युद्ध यू, से कौन सा संबंधित है तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो भी क्या रहेगा डी मेजर रॉक एडिक्ट थर्टीन ठीक है न कनिष्का बिलोंग टू विच डायनेस्टी तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा सी सॉरी सी रहेगा इसका आंसर नेक्स्ट बात करेंगे हम विच चोला रूलर अटैक श्रीलंका तो कौन से चोला रूलर ने आपका श्रीलंका को अटैक किया था तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी ठीक है सो हम इस पेपर में यहाँ इस पार्ट में वीडियो के यहीं तक डिस्कस करेंगे सिक्सटी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट सिक्सटी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ऐसे ऐसे करके हम इस पेपर को पूरा सॉल्व करेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक जो है डिस्क्रिप्शन वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो so, अगर आपने नेक्स्ट पार्ट देखना है वीडियो का तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक को खोल सकते हैं आपकी वो वीडियो चल पड़ेगी एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू